अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ रेहान मुमताज, आपका भाई, और आज हम लोग आए हैं कॉर्निश जद्दा। आया था वीकेंड, वजी आया हुआ था, वजी को भी घुमाना था हमने, तो हमने कहा चलो यार आउटिंग का प्लान करें तो कहाँ का करें। हमने कहा कि यार कॉर्निश चलते हैं, बहुत गर्मी है आज, नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी है आज के दिन, लेकिन चलो आए हैं तो इन्जॉय भी करेंगे अब। अच्छा, हम कॉर्निश पे तो आए थे, सडन मुझे आती है कॉल कि भाई किधर हो, तो मैं तो आया हूँ फैमिली के साथ। तो मुझे किस शख्स की कॉल आई इधर आके, इन भाई साहब की कॉल आई मुझे कि भाई कि कहाँ पे हो, ये हमारे प्यारे अली भाई है। अरे भाई, पीछे से गाड़ी देख के पहचानी हम लोगों क्या बात कर रहे तो हमने भाई आए हैं आज कॉर्निश पे आउटिंग को, ये तो बहुत अच्छी बात, पास से अली भाई भी हमें मिल गए। अली भाई कहते कि अली भाई ने गाड़ी देख के फोन किया कि किधर हमारे ये गाड़ी 3 दिन पहले हम अब खुद ड्राइव करके लाया हूँ भाई, तब कैसे बोलेंगे। 60-65 किलोमीटर ड्राइव किया भाई, उसके बाद गाड़ी का अंदाजा हुआ, फिर हम गाड़ी को देखते ही पहचान लिए भाई। मैं भी था अली भाई। हाँ, ये भी ये पहचानने वाले ये नहीं है, ये बैठे हुए थे, पहचानने वाले हम ही हैं। इन्होंने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीखी थी? इत्तेफाक से हम लोग यहाँ पे मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इधर आ गए। अली भाई ये बताओ गर्मी कैसी आज यार? यार गर्मी है यानी 50 फिल्मी है। अली भाई का मतलब है हाँ, कभी ठंड है कभी गर्म है, गर्मी है और जो है ना कुछ कह नहीं सकते, हो सकता ओले भी गिर पड़े लेकिन ऐसी गर्मी है, लावे लावा गिरेगा, लावा ओले पड़ेंगे, गर्मी वाले ओले पड़ेंगे, ओले नहीं समझना भाई, वो जो बर्फ वाले होते हैं। मैं तो यहाँ से लगाऊं जंप अभी पानी के अंदर, रहने दे भाई, निकालने के लिए जो है ना वो मंगवानी पड़ेगी क्रेन। तो यार अपना वाकई पानी देख के दिल कर रहा है कि पानी में छलांग लगा ली जाए, आगे तक चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। यार आ जाओ यार, कोने तक चले, अली भाई आ जाओ। तो हम लोग चलते हैं आगे तक चलते हैं, क्या गर्मी बहुत है लेकिन चलो, समंदर की एक अपना ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। अनएक्सपेक्टेड था मौसम, सोचा था बेहतर होगा लेकिन यहाँ मौसम बहुत ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो टाटा आप लोग को व्यू दिखा। तो जनाब ये है कॉर्निश जद्दा, यहाँ का खूबसूरत समंदर जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। ये हमारे हत्तान है या हत्तूनी, क्या हाल है, शखबारक। ये हमारे प्यारे भाई अली भाई का बेटा है, माशाल्लाह। क्या मौसम, पिछले दिनों हम लोग आए थे इधर, मौसम बहुत ही आउट क्लास था, बहुत ही प्यारा मौसम था। आज एक्चुअली गर्मी भी है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी आ गए तो इस वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर यार बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है। अच्छा ये इतना बड़ा है ना, लाइक उस एंड से शुरू होता है, मैं क्या बताऊँ, यानी एक्सट्रीम लेवल का बहुत बड़ी जगह है। तो इसमें तरह तरह की इन्होंने एक्टिविटीज़ डाली हुई है, समंदर भी है, बच्चे के झूले भी आ जाते हैं, तो इट्स क्वाइट गुड, अपना बहुत अच्छा मज़ा भी है यार। यार अभी तो आए हैं हम लोग, ऐसा मौसम भी थोड़ा सा बेहतर होने की तरफ आ जाएगा, थोड़ी देर में मौसम भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है। लेकिन यार अच्छा जद्दा में ना काफ़ी अलग अलग तरीके के समंदर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आइए कॉर्निश जद्दा, अलहमरा भी है, हमरा भी एक समंदर है, वो उधर फाउंटेन वाली साइड है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग को जल्दी दिखाएंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी दिखाएंगे वो भी आपको। अभी आज कॉर्निश है तो आप लोग को कॉर्निश घुमाएंगे, कॉर्निश इंजॉय करवाएंगे यार, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छा मौसम था यार, ठंडा था, लिटरली लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी, तो अभी 2 हफ्ते गुजरे थे, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम। बहरहाल इत्तेफाक से अली भाई मिल गए और अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी है हमें। मैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है,
बैठा नहीं जा रहा किसी से भी, मैक्सिमम आओ एक घंटा लगाओ निकल जाओ वाली कहानी है आज तो भाई। क्या आओ थोड़ा टाइम रहो और फिर अल्लाह हाफिज़ कर दो। अच्छा रश भी बहुत है आज, एक्चुअली सऊदी अरब में फाउंडेशन डे है तो 23rd February में इन्होंने जो है फाउंडेशन डे होता है इनका यहाँ पे सऊदी अरब में, तो जिसकी वजह से सबको ही ऑफ हुआ है। लेकिन आज फ्राइडे है और नॉर्मली फ्राइडे को तो यहाँ पे वैसे ही ऑफ होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है जिस जैसे फ्राइडे को ऑफ होता है तो उनको वेकेशन तो देनी होती है, तो इन्होंने कुछ कंपनीज को सैटरडे जो वर्किंग डे जिनका सैटरडे को होता है उनको ऑफ दे दिया, और जैसे हम लोगों को थर्सडे को इन्होंने ऑफ दे दिया था, तो यानी कल भी हमारी छुट्टी थी, ये लॉन्ग वीकेंड कहला देता है। सामने अगर आप लोग को बिल्डिंग नज़र आ रही है वो बेसिकली नॉन एस, वो सामने सफोला टावर कहलाता है, ये वन ऑफ द फेमस टावर ऑफ द कॉर्निश, मोस्टली कंपनीज के हेड ऑफिस इसके अंदर है। भाइयों अब टाइम होता है जाने का, नॉर्मली हम लोग बैठने तो आए थे यहाँ पे मगरिब तक के लिए, पर यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, टू मच है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी यहाँ पे, तो सब ने ये डिसाइड किया कि यार यहाँ से निकल के अब जाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग आए थे यहाँ पे जल्दी आए थे कि 3:30 के टाइम में हम लोग घर से निकल गए थे, लगभग आधे 30-40 मिनट पे यहाँ पे से रास्ता है हमारे घर से कॉर्निश का। हमने सोचा था कि मगरिब के बाद आएंगे सनसेट करते हुए, बट गर्मी ऐसी तबाही है कि आप सब ने ये बोला कि चलते हैं, तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तो नॉर्मली हम लोग ने ये सोच के आए थे कि हम लोग जो है लाइक मगरिब तक बैठेंगे, शाम सनसेट करते हुए जाएंगे, लेकिन यार गर्मी ने मजबूर कर दिया है हम सबको। और नॉर्मली जो भी यहाँ पे लोग मैं देख रहा हूँ आ रहे एक घंटा लगा रहे, कुछ लोग तो ऐसे 15-20 मिनट लगा के बैठ उठ के जा रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह अगर हम लोग कहीं और जाएंगे, वैसे तो यहाँ से निकल के पता नहीं शायद घर जाए या क्या है, लेकिन अगर हम लोग कहीं और जाते हैं तो आपको भाई दोबारा आके आप लोग को एक्सप्लोर करवाने के लिए, लास्टली दोबारा आप लोग को एक्सप्लोर करवाएगा जगह को। तो बहुत गर्मी है इंशाल्लाह, वजी साहब को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, वजी के तासुरात पूछे हम कि क्या तासुरात है वजी के। हाँ वजी लगता है तुम्हें कुछ गर्मी ज़्यादा लग गई है। अल्लाह गर्मी बहुत है यार, अल्लाह हाँ तो है। क्या बोल रहे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से सब ने यही सोचा कि यार जाना चाहिए। तो अगर कहीं और जाते फिर आपको एक्सप्लोर करने के लिए लाएंगे, वरना तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।